हमें किसी से मोहब्बत हो तो वो भी इसलिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए उससे मोहब्बत करें, अगर हमें किसी से नफरत हो तो वो भी इसलिए हो कि अल्लाह का हुक्म हो। इसलिए हदीस में फरमाया من احب لله وعمل لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان। फरमाया जो आदमी ये चार काम कर ले, किसी से मोहब्बत हो तो भी अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत हो, وعمل لله किसी से दुश्मनी अब काफर से मुनाफिक से दुश्मनी है तो भी अल्लाह के लिए, तो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, अल्लाह के दीन का दुश्मन है, इसलिए उससे नफरत हो। फरमाया वाता लिल्लाह किसी को अता करे तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए, और मना लिल्लाह किसी को कुछ ना दे, रोक दे, मना करे तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए। जिसमें ये चार काम हो जाए फकद इस्तकमल ईमान, तो फरमाया कि वो आदमी उसका ईमान कामिल हो जाए। तो याद रखिए बहुत बड़ी बुनियादी सिफत है।